करते हैं बीजेपी की। बीजेपी में ऑल इज वेल के संदेश दिए जा रहे हैं। वसुंधरा लाओ बीजेपी बचाओ का नया नारा भी कायम किया गया है। वसुंधरा के करीबी विधायक फिर मोर्चा संभाल रहे हैं और अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई के बाद भी पार्टी के अंदर तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों की जनप्रिय लीडर है, गांव गांव में उनकी पकड़ है। राजस्थान का उन्होंने गांव गांव का दौरा किया हुआ है। वो भौगोलिक परिस्थिति उनकी और किस प्रकार की तकलीफ कहां के लोगों को इस प्रकार से जानती है। बीजेपी में ऑल इज वेल, अपने आसपास के जो लोग खुशामद गिर जो लोग हैं खुशामद करते हैं उनको नेतृत्व सौंपना शुरू कर दिया। उनको गांव की पांच ढाणियों का भी जिले की पांच ढाणियों का भी नाम का पता नहीं और वो लोग आज प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं तो कोई भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा। अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रोहिताश्व शर्मा के निलंबन के बाद भी बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं लगता। कार्रवाई के बाद रोहिताश्व के सुर थोड़े नरम जरूर पड़े हैं लेकिन तंज अभी भी जारी है। रोहिताश्व शर्मा कहते हैं कि प्रदेश में पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की पकड़ कुछ जिलों तक सीमित है लेकिन वसुंधरा पूरे मरुधरा की जनता के दिल में राज करती है। सिर्फ वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी है जिन्होंने राजस्थान की भाजपा को आगे बढ़ाया, दो बार राज लिया और वो मेहनत का से जिस दिन से आती है वो पूरे राजस्थान का दौरा करती है जब भी दिल्ली से चलती है। और ये हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी का कोई भी नेता एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाता। वही रोहिताश्व के वसुंधरा गान को आगे बढ़ाते हुए प्रताप सिंघवी का दावा है कि वसुंधरा न सिर्फ राजस्थान में बल्कि यूपी एमपी और महाराष्ट्र में भी पार्टी के लिए प्रभावी भूमिका निभा सकती है। वसुंधरा जी का जो प्रभाव क्षेत्र है महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में तो है ही। यहाँ से दो बार मुख्यमंत्री बनी है और इसके साथ साथ उनका पूरे देश में पार्टी उपयोग कर सकती है। आपको बता दें कि वसुंधरा कैबिनेट में मंत्री रह चुके प्रताप सिंघवी की तरह कई और विधायक ऐसे हैं जो मरुधरा में वसुंधरा राजे की सक्रियता चाहते हैं लेकिन माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे पारिवारिक कारणों से सियासत में सक्रिय नहीं हो पा रही। हालांकि पार्टी प्रभारी किसी भी तरह के मतभेद से इनकार कर चुके हैं लेकिन पार्टी के प्रदेश संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक की निगाहें वसुंधरा के करीबियों के एक्शन पर है। भले ही वसुंधरा सत्ता के केंद्र में नहीं है लेकिन उनके सियासी